जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरा नाम अजीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों, एक रिलेशन की भर्ती आई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहें। अभी ये बात करते हैं भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती होने वाली है, ये अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली है अंडर UHQ एनरोलमेंट यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती है। जनरल ड्यूटी GD ट्रेड के लिए है। ये जो कैटेगरी है, ये बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर किरकी पुन्ना के द्वारा ये रैली की जाएगी और ये रैली 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच शुरू होगी। जो भी मेरे भाई रिलेशन के बच्चे हैं, इस भर्ती में जाना चाहते हैं, किसी भी सेंटर का रिलेशन हो, यहाँ पर GD की भर्ती देख सकता है। उसके बाद अभी बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। जो ऑल कैंडिडेट है, सभी को बोला गया कि इस भर्ती में जो फुली वैक्सीन जो होना चाहिए, COVID-19 की जो फुली वैक्सीन है, वैक्सीनेटेड होना चाहिए, यानी सभी डोज लगी हुई हों, उनका सर्टिफिकेट हो, वो इस भर्ती में आए। कहने का मतलब ये है साथियों, अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। ये भर्ती 1 नवंबर से शुरू हो रही है 2022 से। इसमें सबसे पहले वाले दिन अग्निवीर सोल्जर GD के लिए सिख के लिए है भर्ती। ये जो भी सिख कैंडिडेट हैं, रिलेशन के बच्चे हैं, वो यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं। और ये भर्ती आपको बताई दी बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर किरकी है, उसके पुना के द्वारा की जा रही है। उसके बाद 2 नवंबर को अग्निवीर सोल्जर GD मराठा, यहाँ पर जो महाराष्ट्र से हैं मराठा, वो जो रिलेशन के बच्चे हैं, वो यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं सोल्जर GD के लिए, ठीक है। उसके बाद 3 नवंबर 2022 को अग्निवीर सोल्जर GD OIC, OIC का मतलब अदर इंडियन कास्ट जो भी हैं बचगी, वो सभी इसके अंडर आती हैं और वो यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं। सभी कैंडिडेट के लिए 3 दिन हैं नवंबर के महीने में, 1, 2, 3, इन सभी के दिन फिजिकल होगा। तो भाई साथियों, जो भी मेरे भाई हैं इस भर्ती में जाना चाहते हैं, जो जिसके पास भी रिलेशन है, तो कृपया करके रिलेशन के बच्चों के लिए ये GD ट्रेड के लिए भर्ती है, बढ़िया सेंटर है और यहाँ पर आप जा सकते हो पुणे के अंदर ये भर्ती के लिए। बताया गया कि जो गेट है वो ओपन हो जाएगा सुबह 5:00 और 5:00 बजे और 8 बजे तक गेट खुला रहेगा। उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को एंट्री नहीं दी जाएगी 8 बजे के बाद में, तो उससे पहले पहले यहाँ पर सेंटर में पहुँचना है। कैंडिडेट को बताया गया है कि सभी जो COVID-19 की जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन हैं, जो भी सावधानी है, वो बरतनी है और वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेकर जाएं यहाँ पर, सभी भर्ती में जो भी जा रहे हैं। उसके बाद बताया गया कि भर्ती जो है सेंटर की मर्जी है, वो कभी भी पोस्टपोन्ड या कैंसिल की जा सकती है, सभी राइट्स रिजर्व हैं सेंटर के पास में। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट ही यहाँ पर आएँ, जो भी योग्य हैं यहाँ पर भर्ती देखने के लिए। आपको पता ही है कि जो एज है वो यहाँ पर 17.5 से 23 साल के बीच होनी चाहिए अब की बार के लिए। तो जो भी भाई हैं यहाँ पर भर्ती में पहुँचें, ये भर्ती यहाँ पर बता दी आपको। अब इसके डिटेल प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, तो एक बार मैं सभी से पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं इसके डिटेल से भर्ती के बारे में। ये भर्ती जो होने वाली है, ये अग्निवीर सोल्जर GD ट्रेड के लिए भर्ती होगी। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये भर्ती चलेगी और यहाँ पर इस भर्ती का 15 जनवरी 2023 को रिटर्न टेस्ट होगा। तो जो भी मेरे भाई साथी हैं यहाँ पर इस भर्ती में जा रहे हैं, वो ध्यान दें प्लीज़। उसके बाद बात करते हैं अभी 1 नवंबर 2022 को, आपको बता दिया यहाँ पर पहले डिटेल से इनिशियल डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो चेक होंगे और अग्निवीर सोल्जर GD के लिए भर्ती सिख के लिए है। 2 नवंबर 2022 को यहाँ पर जो भर्ती है वो अग्निवीर सोल्जर GD मराठालाई के लिए, मराठों के लिए है, जो भी मराठा के रिलेशन, मराठा कास्ट से संबंध रखते हैं, रिलेशन किसी भी सेंटर का हो यहाँ पर। उसके बाद 3 नवंबर को यहाँ पर जो है अदर OIC के लिए, अदर इंडियन कास्ट के लिए यहाँ पर फिजिकल वगैरह है। यहाँ पर इसमें PFT और PMT होंगे, पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे उसी दिन ही, जो बता दिया 1, 2, 3, एक पहले नवंबर को सिख, 2 नवंबर को मराठा और 3 नवंबर को OIC अदर इंडियन कास्ट, इन सभी के उसी दिन ही फिजिकल
उसके बाद में PFT और PMT इनिशियल डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे और इनका फिजिकल हो जाएगा। आपको पता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1600 मीटर रनिंग होती है जिसके लिए दो ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप का टाइम 5:30 तक होता है एक्सीलेंट के लिए, और गुड के लिए टाइम है 5:31 से 5:45 तक। और उसके बाद इसमें बीम होती हैं, 6 बीम क्वालिफाई होती हैं और मैक्सिमम 10 बीम होती हैं, और 6 के बाद जो भी बीम मारेगा उसके नंबर होते हैं, और उसके बाद जो जिग जैग होता है वो क्वालिफाइंग होता है और 9 फीट डिच होता है। ये होते हैं आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, PMT होता है, यहाँ पर हाइट वेट चेस्ट आपकी, और रिलेशन के बच्चों को जो फादर का रिलेशन उनको छूट भी मिलती है आपको पता है। तो जो भी भाई इस भर्ती में जाना चाहते हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं, डिटेल से आपको बता दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं 4 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक आपके डिटेल में डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपका RMDS नंबर आपको दिया जाएगा। RMDS की फुल फॉर्म होती है रिक्रूट मास्टर डाटा शीट, और ये मेडिकल के लिए ज़रूरी होता है साथियों। मेडिकल RMDS नंबर के बाद ही मेडिकल होता है ऑल कैटेगरी के लिए, ये सभी, चाहे OC को मराठा हो या OIC हो, सभी के लिए। उसके बाद बात करते हैं 6 नवंबर को छुट्टी है, संडे है। 7 नवंबर को फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपको RMDS नंबर दिए जाएंगे सभी को ऑल कैटेगरी को। फिर 8 नवंबर की छुट्टी है और 9 नवंबर से को फिर आपको डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। और आपका मेडिकल जो है 10 से लेकर 12 तक चलेगा, प्राइमरी जो मेडिकल होगा, जो भी मेरे भाई हैं उनको, और उसके बाद जो फिट होते जाएंगे उधर ही ऑन ग्राउंड फिट हो जाएंगे, उनको एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे सभी कैटेगरी को। उसके बाद 13 नवंबर की छुट्टी है, फिर 14 से लेकर 16 नवंबर तक यहाँ पर फिर दोबारा से मेडिकल जो बचे हुए उनका मेडिकल चलेगा, और उनको जो फिट हो जाएंगे उनका एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। उसके बाद आपको बता दें साथियों, जो भी भाई हैं मेडिकल रिव्यू आपका 11 से शुरू हो जाएंगे। 11 से आगे तक जो भी भाई जिनके मेडिकल पॉइंट बन गए हैं वो 11 के बाद में MH वगैरह में रिपोर्ट कर देंगे। जो भी रिलेटेड MH होता है उसके अंदर जाएंगे, अपने पॉइंट तुड़वा कर आएंगे, और जो फिट होकर आएंगे उनको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस 1 नवंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। और आपको बता दिया जो रिटर्न टेस्ट है वो 15 जनवरी 2022 को होगा। अच्छा खासा टाइम है बीच में तैयारी करने के लिए, और यहाँ पर जो सोल्जर अग्निवीर GD के लिए ही भर्ती है। तो जो भी मेरे भाई हैं 17.5 से 23 साल के बीच हैं, रिलेशन के बच्चे हैं, और जो बता दी जाति इनसे संबंधित हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। आपको बता दी ये भर्ती, और जो भी हैं यहाँ पर जाएं, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।